अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी आज जो हमने लुक क्रिएट किया है वो रिक्वेस्ट पे किया है, बहुत ही प्यार से इन्होंने रिक्वेस्ट किया। आई थिंक कोई इंडियन सिस्टर है, इन्होंने बोला है कि लाइट ब्लू एंड येलो कॉम्बिनेशन आई मेकअप प्लीज़, तो इनकी रिक्वेस्ट पे ही ये लुक क्रिएट हुआ है। तो चले जी, अब हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये पार्टी लुक है। अगर आप इसको थोड़ा सा हैवी करना चाहते हैं तो आप ग्लिटर भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। जी एज़ यूजुअल हमने आई बेस वगैरह सेट कर ली हुई है। सबसे पहले हम जो आई शेडो लेंगे वो है पिंक कलर। पिंक कलर के आई शेडो को हम क्रीज लाइन पे अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन के बाद एज़ यूजुअल हम इसको अच्छी तरह से जो है ब्लेंड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रश। सो ज़्यादा डार्क शेड हमने नहीं लेना है। अच्छी तरह से हम ब्लेंडिंग के बाद जो है सेकंड शेड लेंगे वो है थोड़ा सा इससे डार्क शेड है, आप इसको थोड़ी पर्पल शेड में कह लें। तो ये शेड हमने लिया है, इसको हम क्रीज लाइन से थोड़ा सा नीचे अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन के बाद इसको हमने अच्छी तरह से जो पिंक शेड है ना उसके साथ मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से दोनों शेड्स को जो है ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद जी जो थर्ड शेड हम लेंगे जिसको हमने आईलिड पे अप्लाई करना है वो है येलो शेड। येलो तो नहीं, खैर मैंने मस्टर्ड शेड लिया था लेकिन ये कोई मुझे अच्छा नहीं लगा, ज़्यादा खिला शेड नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्योंकि येलो शेड की रिक्वेस्ट है तो मैंने ऊपर इसके येलो शेड अप्लाई किया था कि येलो मेकअप ही हमने करना है। तो अच्छी तरह से एप्लीकेशन के बाद जो है इसको हमने शेड को आईलिड पे सेट कर लिया है। उसके बाद जी सेकंड शेड का जो हमें रिक्वेस्ट थी वो है लाइट ब्लू शेड, तो इसको हम लोअर लाइन पे अप्लाई करेंगे। कॉम्बिनेशन हम इस तरह से करेंगे कि येलो शेड को हमने आईलिड पे अप्लाई किया और लाइट ब्लू शेड को हमने लोअर लाइन पे अप्लाई कर लिया। जी जो रफ हो गया था उसको हमने डस्ट आउट कर दिया। उसके बाद आउटर वी पे हमने ब्लैक शेड अप्लाई किया है यहाँ से आइज़ को थोड़ा सा डीप दिखाने के लिए। एप्लीकेशन के बाद इस शेड को हमने अच्छी तरह से आउटर कॉर्नर में ब्लेंड कर लेना है। उसके साथ साथ ही हम थोड़ा सा इसी शेड को लोअर लाइन पे भी अप्लाई कर देंगे। हमने क्रीज पे ब्लैक शेड को अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है, जस्ट हमने आउटर कॉर्नर तक ही इस शेड को रखना है। जी उसके बाद हम करेंगे अपनी लैशेस को, नेचुरल लैशेस को मस्कारा करेंगे आर्टिफिशियल आई लैशेस के एप्लीकेशन से पहले। इसके साथ साथ जी अपर लैशेस को मस्कारा करने के साथ साथ ही हम लोअर लैशेस को भी मस्कारा करेंगे, जो कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि ये मिस करना तो बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है आई मेकअप में, इससे आइज हमारी बड़ी नज़र आती हैं। उसके बाद जी हमने इनर कॉर्नर में डल गोल्डन आई शेडो है उसको मैंने अप्लाई किया है विद हेल्प ऑफ ब्रश। थोड़ा सा लुक जो है हमारा मज़ीद खूबसूरत हो जाएगा। आई ब्रो पे भी ब्रो बोन पे भी मैंने सेम डल गोल्डन आई शेडो ही अप्लाई किया है, ज़्यादा ब्राइट नहीं किया है या ज़्यादा शाइनी शेड मैंने नहीं लिया है, थोड़ा डल ही रखा है। जी अब आ गई आई लाइनर की बारी, तो आई लाइनर में जस्ट हम आउटर कॉर्नर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, उसके साथ ही हम विंग क्रिएट करेंगे और इसको फिल कर देंगे अच्छी तरह से। जी जिनकी रिक्वेस्ट है उनको मैं ये बताती चलूँ कि अगर आप लोगों को थोड़ा शाइनी में मेकअप चाहिए तो आप येलो शेड के ऊपर अपनी चॉइस के मुताबिक ग्लिटर भी अप्लाई कर सकती हैं। जी लुक हो गया हमारा कंप्लीट। तो वीडियो को देखकर आपने कमेंट ज़रूर करना है कि आपको हमारा ये लुक कैसा लगा। इसके साथ साथ अगर कोई और भी अपनी रिक्वेस्ट पर लुक क्रिएट करवाना चाहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। एज़ यूजुअल जी जो न्यू देख रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोगों ने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। इसके साथ साथ जी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।